फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मनी ट्रेडर। आज हम बात करने वाले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं, जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स है, ये पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके फ्यूचर की, तो आने वाले टाइम में ये पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और आने वाले टाइम में इंडिया में पावर सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। जो गवर्नमेंट है वो पावर सेक्टर को सपोर्ट कर रही है और आने वाले टाइम में ज़रूर हमें इसके जो शेयर्स हैं उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। अगर हम बात करें आज के इसके शेयर प्राइस की, तो ये 3.65 रुपये पे क्लोज हुआ है और ये ओपन हुआ था 3.80 रुपये पे। आज हमें इसमें 15 पैसे की छोटी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स है इसके पिछले कुछ दिनों की, तो इसके शेयर्स में हमें लगातार बहुत दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट क्यों हो रही है और इसके शेयर में जो गिरावट हो रही है उसका कारण क्या है, और क्या आने वाले टाइम में हमें और भी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, हम वापस से जयप्रकाश पावर वेंचर्स में हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा, इसके शेयर में हमें नई तेज़ी देखने को मिलेगी, उस बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर चार्ट की, तो आज हम देख सकते हैं, अगर आज का देखिए हम इसका शेयर चार्ट, तो 3.65 रुपये पे क्लोज हुआ है, 3.95% हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इसके पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखें, तो अगर हम 5 डेज से कंपेयर करें, तो ये 17.05% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर हम 1 मंथ का देखते हैं, तो ये लगभग -34.23% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हम देख सकते हैं फ्रेंड, 3 अगस्त को इस शेयर की प्राइस 5.35 रुपये थी, लेकिन वो अब गिरकर 3.65 रुपये हो चुकी है। इसमें हमें 2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो ये हमें 32.73% तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड, 12 जुलाई को इसका शेयर था 6.60 रुपये तक चला गया था, बहुत ही इसने हाई बनाई थी अपनी, अभी तक की सबसे ज़्यादा इसने हाई बनाई थी 12 जुलाई को, लेकिन उसके बाद से लगातार शेयर गिरावट में दिख रहा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 1 ईयर की, तो ये हमें लगभग 28.07% तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करके दे दे। छोटा स्टॉक है, छोटा पैनी स्टॉक है, कम प्राइस पर मिल रहा है और आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमें अच्छा प्रॉफिट बुक करके दे सकता है। उसी के साथ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं वीडियो ने आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रही हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें।